ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा, लगातार बना हुआ हूं और हमारे साथ दो खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से उपासने साहब हैं, सच्चिदानंद उपासने जी, बीजेपी के प्रवक्ता रमेश वल्याणी साहब, कांग्रेस के नेता। इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों मुख्यमंत्री रमन सिंह उन्हें बचा रहे हैं, इतना बड़ा कांड हो गया है। लेकिन सवाल उपासने जी हम पर उठा रहे हैं कि हम क्यों सवाल बार बार ये पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को कुर्सी छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन क्या करें, मीडिया की जिम्मेदारी है, जनता की हम पर जिम्मेदारी है, जनता ने जो कहा है उस भूमिका को हम निभा रहे हैं। और क्योंकि जो हमारे सवाल होते हैं वो आप लोगों के ही बीच के होते हैं, क्योंकि आप लोगों से ही जो जहन में होता है उन्हीं सवालों को मैं चर्चा में रखता हूँ। उपासने साहब, जिस तरह मैं गुड़ाखू पर बात कर रहा था, आपने कहा गुटखा कंपनी में है उनकी, चलते या पूछते नहीं काम, गुड़ाखू के नुकसान बता पाएंगे आप हमारे दर्शकों को? नहीं, ना मैं उसको यूज करता हूँ ना मेरे को उसके नुकसान मालूम है। नहीं, जनरल नॉलेज के लिए तो पता होगा ना, मैं जैसे मुझे पता चला कि कैंसर होता है उससे। नहीं नहीं, लोगों को मैंने गुड़ाखू मैंने बड़े बड़े लोगों को करते हुए देखा है। हाँ। है ना, गुड़ाखू के बिना कई, चलिए आपके पड़ोसी को पता होगा, वल्याणी साहब, गुड़ाखू से नुकसान होता है क्या? नहीं, उसके बिना वो नहीं रह सकते। गुड़ाखू से नुकसान होता है क्या? देखिए, गुड़ाखू जो है ये तंबा, निश्चित रूप से नुकसान होता है। गुड़ाखू में तंबाकू के तत्व रहते हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में मुख कैंसर की घटनाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है, ये मुझे इसलिए पता है, ठीक है, हमारे दर्शकों की जानकारी बढ़ गई होगी। ठीक है, वरियानी साहब, हो गया उपासने साहब, पूरी बात बता दूं। हाँ, हमारे दर्शकों की जानकारी बढ़ गई। मैं आपको पूरे, ठीक है, बताइए बताइए आपको। हाँ, बता दीजिए, ये गुड़ाखू से मुख कैंसर की गुड़ाखू के लगातार प्रयोग से मुख कैंसर की घटनाएं बढ़ी हुई हैं। और मेरे पड़ोस में जो एक मेड सर्वेंट काम करती थी, उसको हमने कई बार कहा कि गुड़ाखू को प्रयोग बंद करो, लेकिन बोले साहब यदि नहीं करूंगी तो मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ, एक तरह का नशा होता है। लेकिन आगे चल के मालूम पड़ा कि उसको मुख का कैंसर हुआ और वो कैंसर के चलते मौत के आगोश में समा गई। तो ये गुड़ाखू भी तंबाकू के समान ही खतरनाक है, जैसे तंबाकू से कैंसर होता है वैसे गुड़ाखू से भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है। ठीक है, स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा भी मानता है गुड़ाखू से नुकसान होता है, और जो डॉक्टर में है वो मानते हैं कि उससे कैंसर होता है। उपासने साहब, अब सवाल गुड़ाखू से मैं जोड़कर लूंगा, आपके मंत्री मौत बांट रहे हैं गुड़ाखू, मतलब आपने भी कहा कि नुकसानदायक है, सेहत के लिए नुकसानदायक है, विपक्ष भी कह रही है कि एक नशा है, और डॉक्टर भी मानते हैं गुड़ाखू, जो मैंने पढ़ा, जो मेरी जानकारी है, वो आपके स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का काम हमारे सूबे का हर शख्स फिट रहे, फाइन रहे, लेकिन ये स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। वो बाद में बने हैं, विधायक बाद में बने हैं, मंत्री बाद में, लेकिन मैं वरलानी जी से यह बात कहता हूँ कि जितनी बात वो कह रहे हैं, लंबे समय तक वो शासन में रहे, और ये गुड़ाखू फैक्ट्री कोई आज की नहीं है, गुड़ाखू तो उनका पुश्तैनी, मैं तो काफी वर्षों से तोता छाप गुड़ाखू को देख रहा हूँ कि इस बाजार में दिखता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उस पर बैन लगाई जब इतने समय सरकार पे थी? बिल्कुल ठीक, क्यों उसको बंद नहीं किया? मैं बता, उस समय तो ये सब ठीक ठाक था, मतलब ये है इनका कहना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, वो मंत्री बन गए, संयोग से उस विभाग के मंत्री बन गए, तो आज वो गुड़ाखू इनके लिए विषैला हो गया, वो कैंसर पीड़ित हो गया, ये पहली बात तो ये होनी चाहिए। ठीक, जब उस समय इनके पास अधिकार थे, अधिकार संपन्न थे, मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। वल्याणी साहब, जवाब दीजिएगा, गुड़ाखू से कैंसर नहीं होता था? ठीक है, उन्होंने डायवर्ट आपकी तरफ कर दिया, आज वो मंत्री बन गए इसलिए उस प्रकार की बातें आ रही है? नहीं नहीं, इन्होंने, उपासने जी ने, मेरे मित्र ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब हम सत्ता में थे हमने क्यों नहीं कार्रवाई की। मैं आप बता दूं उपासने जी को कि जब 2000 में नया राज्य बना, तब उनके पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी जी। अजीत जोगी जी ने इस मामले को लिया था कि गुड़ाखू से प्रदेश में कैंसर से मौतें हो रही हैं, और गुड़ाखू का प्रयोग गरीब लोग करते हैं ज्यादातर, और इसके शिकार भी जो है गरीब लोग ही मरते हैं, इसलिए उन्होंने, अजीत जोगी जी ने गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर लखीराम अग्रवाल जी का परिवार हाईकोर्ट से उस समय स्टे ले आया था। उस समय हमने यही भी प्रयास किया था कि गुड़ाखू के उपभोग पर रोक लगाने के लिए जो उसमें सेल टैक्स लगता है उस सेल टैक्स की सीमा बहुत बढ़ा दी जाए, लेकिन 2003 के बाद हमारी सरकार आ नहीं पाई, इसलिए हम उसमें बढ़ा नहीं पाए।
जयप्रकाश जी, मैं आपको बता दूं कि केवल छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू के विक्रय पर जो वेट या सेल टैक्स लगता है वो 14% है। इसी पर पश्चिम बंगाल में 65% वेट लगता है, अन्य राज्यों में 30-40% लगता है। और आपको यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सेल टैक्स के मंत्री भी अमर अग्रवाल जी हैं और यहां 14% लग रहा है। तो इसके उपभोग पर रोक लगा लेते। हम किसी के व्यापार या व्यवसाय के ऊपर हम ये टिप्पणी नहीं कर रहे हैं आज, लेकिन जिस चीज से देश के और प्रदेश के नागरिकों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ऐसे उत्पाद पर रोक लगाने की पहल इनको खुद करनी चाहिए। और उस महकमे को स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल संभाल रहे हैं को कैंसर होगा कितने कड़ी तो ऐसे जुड़ रही ना उसी महकमे को स्वास्थ्य मंत्री संभाल रहे। उपासनी साहब, बड़ा सवाल है कि वाकई में किसी के व्यवसाय पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन जो व्यवसाय सेहत के लिए खतरनाक है तो सवाल उठेंगे। और हो सकता है कि आपके छत्तीसगढ़ में से छत्तीसगढ़ के लोग, बहुत सारे लोग आइडियल मानते होंगे आपके स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल को, लेकिन अब उनकी क्या छवि जा रही होगी कि वो तो गुड़ाखू की कंपनी चला रहे हैं, हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो आज ये पहले क्यों नहीं उठा गुड़ाखू का मामला, आज क्यों उठाया जा रहा है ये भी प्रश्न है। और जब ये गुड़ाखू को, ये तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, उसके बाद सरकार में मध्य प्रदेश में, उसके बाद सरकार में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी भारत कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार रही। और ये गुड़ाखू तो लखीराम अग्रवाल जी वर्षों से इस व्यवसाय को करते रहे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? भाई हम नहीं कर पाए, अभी मालूम पड़ रहा है कि मौतें हो रही हैं। आप तो कर लो, इस कैंसर आप तो कर लो। देखिए, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाप की, आप तो हर बात पर अपनी बात बोलेंगे। जब विषय आ गया, क्या गुड़ाखू से कोई मौत हुई है? जबरदस्ती आप गुड़ाखू को लाकर जो है उनके बता तो रहे हैं वो व्यवसाय पर, उनके पुश्तैनी व्यवसाय को जब बरियानी जी कहते रहे हैं, तो पड़ोस की महिला की मौत हो गई थी, इस सीमा तक राजनीति पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। यदि छत्तीसगढ़ में हम इस सीमा तक जाएंगे तो कल जो है हर किसी के व्यक्ति व्यवसाय पर मामला आएगा। यदि इस सीमा तक हम चलने लगे छत्तीसगढ़ की राजनीति में, तो ये बहुत गंदी बात मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से किसी के नहीं। बरियानी जी आप मत घबराइए, ये मसला हमने उठाया है, विषय को लेकर बरियानी साहब सफाई देने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, उचित नहीं मानता ये मसला हमने उठाया, उचित नहीं मानता, हमारा हक है, हम पर जनता की जिम्मेदारी है। नहीं आप डरिए मत, हम उठा रहे हैं मसले को कि जो इंसान गुड़ाखू बेच रहा है वो इंसान क्या लोगों की सेहत का ख्याल रखेगा। तो जो उठाया उसके पर कह रहे हैं, कहिए उपासना साहब, चुप मत रहिएगा उपासना साहब। नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से इसका विरोधी हूं कि आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जब सब प्रकार से आप जो है किसी व्यक्ति को घेरने के लिए और उसके सारे खानदान की चिट्ठी पत्री निकाल कर आज लेकर आएंगे, उसके व्यापार को लेकर आएंगे, ये मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं मानता हूँ। ये यदि आप भी जागरूक नागरिक थे तो आपने इसको पहले क्यों नहीं उठाया? आज इसकी आवश्यकता, आपको उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्वास्थ्य मंत्री तो पिछले 11-12 वर्षों से है, आप इस 11-12 वर्षों में आपके चैनल ने क्यों नहीं इसकी तहकीकात की? ये प्रश्न उठता है। आज आपको आवश्यकता, जब आपके दिमाग में ये बात है कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें, तो आप उनकी जन्म कुंडली लेकर बैठ कर निकाल के, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको इसको इस समय जोड़ना बिल्कुल उचित नहीं मानता मैं। यानी कोई कुछ भी करे हम चुप रहें? आप बता दीजिए, हम चुप बैठे रहेंगे? नहीं, चुप नहीं, आपकी जागरूकता यदि इतनी है तो ये 10-11 वर्षों तक आप इस जागरूकता का परिचय आपने क्यों नहीं दिया? लेकिन कड़ी तो जब ही जुड़ती है ना, जब कोई सामने आता है के प्रति आप इतने हिमायती है तो आपने आज तक चुप्पी क्यों साधी रही? ये भी प्रश्न उठता है कि आप इतने समय तक चुप क्यों रहे इस मामले पर। नहीं उपासना साहब, जब कोई बात सामने आती है तभी तो कड़ी के बारे में पता चलता है, कड़ी पर कड़ी तभी तो जुड़ती है और तभी कड़ी के बारे में पता चलता है। क्या बात आपके सामने नहीं थी क्या? लखीराम अग्रवाल जी से लेकर दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि लखीराम अग्रवाल जी से लेकर इनका परिवार गुड़ाखू बनाता है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। ये आज सी बात नहीं है, यदि विषय उठाना था तो आप पहले भी उठा सकते थे। ठीक है, वरलानी साहब, उपासना साहब सारा ठीक रहा, हम पर फोड़ रहे हैं प्रकाश जी कि हम टारगेट कर रहे हैं। नहीं जयप्रकाश जी, उपासना जी का यदि तर्क मान लिया जाए तो ये महावर फार्मा का भी ये पुस्तैनी व्यवसाय है, इसका मतलब उनको जहरीली दवाई देने का लाइसेंस जो मिला हुआ है उनको भी छोड़ देना चाहिए। महावर फार्मा जो दवाई बनाए उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करें,
नहीं नहीं उनको उनको छोड़ देना चाहिए उनको, उसके बारे में आप बता वैसे ही है, उसके बारे में मैं कहा कह रहा हूं, नहीं सरकार पर नहीं है, विषय नहीं है, आप जो विषय अभी मामला गुड़ाखू का आ रहा है, जो चीज जन स्वास्थ्य विषय पर बातचीत हो गई, जो चीज जन स्वास्थ्य निकाल है, जन स्वास्थ्य बातचीत हो गई, आम आदमी का स्वास्थ्य की चिंता करेंगे कि आप किसी की व्यापार की चिंता करेंगे, आज ऐसा कौन सी बात आ गई, स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है, बात आ गई व्यापार ज्यादा जरूरी बन गया, आज ऐसी कौन सी बात आ गई गुड़ाखू फैक्ट्री भाव विषय बन गया। तो आप चाहते हैं गुड़ाखू कंपनी चले उपासना साहब, चलिए हमसे गलती हो गई, हमने पहले ध्यान नहीं दिया, नहीं गुड़ाखू कंपनी चलती रहे, नहीं गुड़ाखू उनका सच्चे पत्रकार नहीं पूछते नहीं, काम है तो चलने दें, फिर कोई दिक्कत तो नहीं उपासना साहब, आप बताइए आप अगर समर्थन करते हैं, सरकार ने लाइसेंस दिया पूरे देश भर में, आज आज गुड़ाखू फैक्ट्री पर बंद, आज आज गुड़ाखू फैक्ट्री बंदिश नहीं है, आज पूरे देश भर में यदि बंदिश लग जाए तो वो भी बंद कर देंगे, जो बात आज चल रही है उस पर आप आज पूरी व्यवस्था से चल रही है तो उस कोई क्यों नहीं चलाएगा, यदि उन्होंने वो व्यवसाय अपने पछतने वैसा वर्षों से चुना है तो चुना है, क्या स्वास्थ्य मंत्री आने के बाद वो बंद कर देंगे, क्यों बंद करेंगे, ठीक है, यानी अगर नुकसान हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, समर्थन करते ना उपासना साहब, से लेकर के राज्यों तक, ठीक है, हम इस विषय से हट जाते हैं, आपकी बात पर है, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तंबाकू खाने से जो सेहत को नुकसान होता है, कैंसर होता है, तमाम तरह के, तो आप समर्थन करते हैं ना, कोई बात नहीं चलने दीजिए, नहीं आप जागरण करिए ना भाई, आपको जागरण करने से किसने रोका है, जनता के बीच में जागरण, सत्ता की मलाई आप खाए, जागरूक हम ही करते रहे, आपकी भी तो कोई फर्ज बनता है ना जनता में कि गुड़ाखू से ये बीमारी, उपासना साहब ये दुष्प्रभाव है, उपासना साहब किसने रोका है, सत्ता की मलाई आप खाए, जागरूक हम ही करते रहेंगे कि आप भी कुछ करेंगे जी, कोई मलाई नहीं खा रहे हैं साहब, कोई मलाई नहीं खा रहे हैं, माहौर फार्मा की दवाई इस्तेमाल न करें, ये भी जनता को ये खरीदी करें दवाई, और आप बताइए जयप्रकाश जी कि माहौर फार्मा की दवाई नहीं खाना, विषय खरीदी करेंगे, विषय रखना यदि मलाई खाना है तो मेरे को तो आपके चैनल में नहीं आना चाहिए, यदि आप इस प्रकार की बात करते हैं, नहीं आप मेहमान, विषय रखना उस पर आप उपासना साहब, हमें मलाई की उपासना साहब आपको आना चाहिए, आपका मोस्ट वेलकम है, आप मेहमान है, आप नाराज हो रहे हैं हमारी बातों से, पता नहीं मैं तो अपने पक्ष रख रहा हूँ, नहीं बिल्कुल आप मलाई वाली बात कर रहे हैं, आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं मलाई खाने की बात, नहीं आपकी मलाई वाली बात मैं कहा, आपकी पूरी सरकार पर कह रहा हूँ उपासना साहब, आप पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, आपने मुझको बुलाया, आपने नहीं, आपको व्यक्तिगत नहीं कहा, रख रहा हूँ उपासना साहब पर आरोप लगा रहे हैं कि मलाई खा रहे, माफी चाहूंगा उपासना साहब आप गलत सोच रहे, किसी को भी कहा आपने, पूरी सरकार को कह रहा हूँ मैं तो बोलने का, नहीं नहीं बिल्कुल हक के उपास, गलत नहीं सोच रहा हूँ मैं, सही सोच रहा हूँ, नहीं नहीं उपासना साहब, अरे आप सरकार को किस हिसाब से कह रहे हैं कि मलाई खा रहे हैं, क्यों मलाई तो खा ही रहे हैं, मावर फार्मा कंपनी, मावर फार्मा कंपनी जिस पर दवाइयां बहन है गुजरात में, उनकी दवाइयां आपने दे दी गई, उसमें आप मुझको आरोप लगा रहे हैं कि मलाई की बात, नहीं फिर मावर यदि मेरे को गलत है तो मैं जवाब नहीं दूंगा, कल भी आपने पानी पीने वाली बात बोल दी मेरे को, मैं आपके चैनल में आता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोल रहे, नहीं उपासना साहब आप नाराज हो रहे हैं, आप हमारे मेहमान है, हमारी मंशा ऐसी नहीं होती है, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, मत लीजिए ना, मेरे को परसों भी आपने कह दिया था कि उपासना जी पानी पी लीजिए फिर बात फिर जवाब दीजिए, उपासना साहब आप नाराज क्यों हो रहे हैं, आप बताइए ना आपकी नाराजगी की वजह क्या, हम दूर कर देते हैं, दर्शन नहीं, देख रहे नाराज नहीं हो रहा, आप व्यक्तिगत टिप्पणी जो करते हैं ना मैं उससे नाराज हो रहा हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, सरकार की तरफ से मैं जवाब दूं जो वस्तुस्थिति मैं आपके सामने रखूं, उपासना साहब आपको मौका दे रहे हैं, आपने व्यक्तिगत परसों भी व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, उपासना जी पानी पी लीजिए, आप बाद में जवाब दीजिए, उपासना साहब हम आपको मौका दे रहे हैं ना बोलने का, आप थक गए थे, आज आपने बोल रहे मलाई खाए आप और जनता भी भुगते, वाकई में आप मलाई खा ही रहे ना उपासना साहब, फिर मैं दोहरा रहा हूँ अपने शब्द, मतलब आप नहीं उपासना साहब मैं अपने शब्द फिर दोहरा रहा हूँ, ये मारवा कंपनी से क्या, मावर जो फार्मा कंपनी थी क्या सांठगांठ थी, जिसकी दवाई बैन थी फिर क्यों करा रहे थे आप सप्लाई, बता दीजिए फिर ये कौन मलाई खा रहा था, नहीं देखिए बता दीजिए, कोई सांठगांठ किसी से नहीं थी, कोई सांठगांठ किसी से नहीं थी, जो मामला सामने आया है तो सांठगांठ रहती तो उसको जेल में नहीं डालते, कोई ना कोई बात से बता बचाने नहीं, आप बताइए ना बैन थी या नहीं थी, यदि उसको जेल में नहीं, अगर अगर हम गलत है उपासना साहब, वो दवाइयां बैन थी या नहीं थी उपासना साहब, सांठगांठ की क्या बात है उपासना साहब, दवाइयां बैन थी गुजरात में, बैन थी, कोई बैन नहीं थी दवाई, और गलत दवाई दी गई थी, कोई बैन नहीं थी, तो दवाइयां गलत दी उसमें निर्माण में कहीं ना कहीं गलतियां हुई है, कहीं ना कहीं उसमें हुई, फिर अप्रूवल किसने किया, कोई उसमें कोई अप्रूवल किसने किया दवाइयों में, नहीं उपासना साहब अप्रूवल तो आपके सरकार और सिस्टम ने किया ना, उपासना हुआ है
उसकी प्रक्रिया बनी हुई है, दवाओं को स्वीकृति करने के लिए बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड के माध्यम से दवाएं स्वीकृत होती है, प्रमाणित होती हैं, उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसको किसने दिया जाता है, ये सारी प्रक्रिया साइंटिस्ट के होते हैं, अमर अग्रवाल साहब के या किसके? अमर अग्रवाल जी जो बोर्ड बना हुआ है उसने दिया है, मुखिया ही करता है ना साइन, वर्षों से चल रही दवाइयां साहब मुखिया ही करता है ना साइन, ये जो घटनाक्रम हुआ है उसी की तो जांच हो रही है। नहीं कोई प्रदेश में पहले इस को लेकर कोई घटना हुई क्या? नहीं उपासने साहब घटना हुई तो उसकी जांच हो रही है ना, मुखिया ही तो करता है ना जांच, साइन तो मुखिया ही करता है ना। मुखिया हर दवाई को देखता है क्या? हमारे को बताइए, कोई मुखिया हर दवाई को देखता है क्या? तो साइन अप्रूवल तो करता होगा ना, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हर काम के लिए बंटवारा हुआ है और उसको देखकर जो है उसको ओके करता है। यदि उस बोर्ड ने गलती की है तो उस बोर्ड के खिलाफ भी न्यायिक जांच में कार्रवाई होगी, जिन जिन लोगों ने उसमें गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है वरियानी साहब, एक बड़ा सवाल वरियानी साहब, ये पहली बार हो रहा है वरियानी साहब, लोकशाही में जवाबदेही कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के मुखिया की भी जवाबदेही, बोर्ड के चेयरमैन बोर्ड के प्रमुख को भी इस्तीफा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, और स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदेही बनती है। लिए लोकशाही का तकाजा है कि जिस विभाग के मुखिया के नेतृत्व में ये घटनाएं हो रही है उस मुखिया का दायित्व तो बनता था कि जैसे ही घटना हुई तत्काल इस्तीफा देते, और जो दोषी अफसर थे दोषी दवाई कंपनियां थी उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण खुद दर्ज कराते तो आज अमर अग्रवाल महान होते, अमर अग्रवाल को इस तरह का दिन देखना नहीं पड़ता। आपने दिया क्या इस्तीफा? मेरे को बताइए, आपके कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? आपके ढाई वर्ष विलास राज देशमुख जी ने आपके ढाई वर्ष में सब दिया, इस्तीफा दिया आपके वार्ड अप नगर में सब दिया, आप लोगों ने अंतरशोध में हुई उस समय क्या आपके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? साहब ये मलाई खाने के चक्कर में ही तो ना स्वास्थ्य मंत्री नहीं दे रहे, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो आप बात नहीं करते हैं, वाड़प नगर की घटना भूल गए, खुद भटक रहे हो राज्य निर्माण के बाद, आप बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी नए चरित्र, भारतीय जनता पार्टी का ये असली चरित्र चेहरा आप दिखाई देने लगा है कि जितनी भी बड़ी घटनाएं हो जाए कितने भी लोग मर जाए लेकिन हम जवाब दे ही नहीं लेंगे। उपासने साहब, उपासने साहब आपको पता होगा कांग्रेस के कई नेता नप गए, कई घोटाले हुए थे, उसका निर्माण नहीं करेंगे, आपके मुंह से शोभा नहीं देता, जनता की आवाज है ये, हमारी आवाज केवल नहीं है, आपका इतिहास देख लीजिए, भोपाल गैस कांड होता है अर्जुन सिंह जी, भोपाल गैस कांड हमारे कारण नहीं हुआ है, आपके कारण हुआ है, आपके कार्यकाल में भोपाल गैस कांड से मत जुड़िए, अरे कैसे नहीं जुड़े भोपाल गैस कांड वो लिखित वाला मामला था तो, लेकिन ये दवाई आपकी दी गई है, इतिहास नहीं भुलाया जा सकता, वो हादसा था, ये हत्या है, अच्छा उसको हादसा बोल दिया, हादसा ही था वो, तो उसको बचाया किसने? एंडरसन को लेकर गया, कोई नहीं बचाया है, अरे छोड़िए, इतनी मानवता होती तो उसको हवाई जहाज में ले जाकर अमेरिका नहीं भेज देते आप? ठीक है आप मुद्दे से भटक रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करिए, आज के प्रदेश में ये उसमें बात करिए, आज भी कहता हूँ कि सरकार ने सारी बातें की है, जिस जिस पॉइंट पर जो जो काम करना चाहिए था सरकार ने हर बात की है, और भविष्य का रास्ता भी क्लियर रखा है कि जो भी दोषी होंगे न्यायिक जांच में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो भी चाहे कितना बड़ा भी व्यक्ति यदि न्यायिक जांच में उस पर आरोप आते हैं तो उस जेल में चुप तुमने। उपासी साहब वरियानी साहब पर हम विश्वास करते हैं, कोई तानाशाही पर विश्वास नहीं करते। उपासी साहब इसी अंदाज में आप लगातार उस दिन परसों के दिन आप चर्चा हम कर रहे थे उसी दिन आप कंटिन्यू इसी तरीके से बोल रहे थे, और ये मेरा प्यार था आपके प्रति, मैंने कह दिया कि आप पानी पी ले एक गिलास फिर आप जवाब दे दे, शायद आप उसे गलत वे में ले गए। वरियानी साहब ये सत्ता की मलाई पर नारा बहुत बुरा लगा था, मैं तो सोचा था कि आज नहीं आऊंगा आपके चैनल में, नहीं लेकिन आपका प्यार है, हम दोनों का प्यार है, असल में अच्छा है, हम दोनों का जो टिप्पणी की पानी पीकर बोली आप, ठीक है अपनी भावनाएं भी आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकूंगा, ये गलत बात है, ठीक है अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए अपने पार्टी का। वरियानी साहब ये सत्ता की मलाई पर भी नाराज हो गए, करना चाहते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। वरियानी साहब ये सत्ता की मलाई मैं पहली बार सुन रहा हूँ नेताओं की जुबान से, सत्ता की मलाई खाते नहीं कर रहे ना, एक तरह का मैंने आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके आप व्यक्तिगत रूप से नहीं, आप पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पर पानी पीकर आप सत्ता में थोड़ी भाई, आप थोड़ी मंत्री हो, नहीं राशन पानी पी ली, राशन कार्ड धांधली होती है, मलाई आपकी बात कर रहे हैं।
नहीं नहीं कौन मना कर रहा है, जो बात हुई है तो उसमें कोई मना कर रहा है क्या कि नहीं हुआ है? नहीं, जो धांधली होती है आखिर सरकार ने उसको उपासने साहब किया ना, जो भ्रष्टाचार होता है उसमें लोग मलाई तो खाते हैं और ये मलाई नेताओं तक ही पहुंचती है। अब मलाई तो नेताओं तक ही तो पहुंचती है, इसी को ही तो कहते हैं सत्ता की मलाई। नहीं नहीं मेरे को ये बताइए ना कि एक भी प्रकरण जो है मलाई का, जिस प्रकार के आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार का, कोई प्रकरण इन 11 वर्षों में साबित हुआ है? कुछ हुआ है क्या? आप जागरूक पत्रकार हैं कल्याणी साहब, ये तो कह रहे हैं हम मलाई नहीं खा रहे। किसी वैधानिक टिप्पणी, किसी वैधानिक न्यायालय ने इस सरकार के खिलाफ, जैसा कांग्रेस पार्टी के केंद्र की सरकार के खिलाफ, घोटालों की सरकार है, कहने से सीबीआई की जांच करा ले, कहने से नहीं होता है, करा ले कहने से, दवा खरीदी में करा ले घोटाले, कहने से नहीं होता है। यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार नहीं है जयप्रकाश जी, कलर डॉक्टर की खरीदी हुई थी 3 साल पहले, अरे तो भाई सप्लाई नहीं हुई आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। बाद में जब हम लोगों ने मामला उठाया तो पैसा वापस कंपनी से मंगा लिया, उन्होंने कहा कि हमने सामान नहीं मिला था, पेमेंट कर दिया था, पेमेंट आ गया है। ये तो ऐसा हो गया कोई डाका डाल ले और सामान वापस कर। चलिए उपासना साहब, बल्याली साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे। क्या प्रक्रिया होती है? अदालत जाइए ना, माल आया नहीं पैसा दे दिया। आपके बोलने से थोड़ी हो जाएगा, ठीक है? विपक्ष की भूमिका में बोलेंगे। ऐसी ऐसी मशीनें खरीदी है, मेरे को बताइए अस्पतालों में आपके केंद्र के मंत्री कितने जेल में गए भ्रष्टाचार? उपासना साहब, बल्याली साहब, जांच करा लीजिए आपके मंत्री साहब, जेल में जाएगा। आप जांच तो कराइए, जांच कराइए। आप ये बोलते हैं कि विपक्ष के सबूत दे, हमने आप सीबीआई को सौंपिए, हमने घोटाले का आरोप ठीक है। उपासना साहब, बल्याली साहब, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, कुछ नहीं रहेगा। यदि आप में दम है तो आप भी जाइए अदालत, ठीक है? प्रमाण है तो आप तो गए थे। उपासना साहब, हाईकोर्ट संज्ञान, बल्याली साहब, आप तो गए थे, जांच कराने तो मालूम पड़ेगा क्या स्थिति है। आप लोकायुक्त गए वहाँ पर, आप ठीक है? हम चर्चा करते रहिए, हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। रमेश बल्याली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उपासना साहब, उपासने साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते रहिएगा, चर्चा करना आपसे अच्छा लगता है, लेकिन नाराजगी नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप कहूंगा, आप थक गए होंगे तो पानी जरूर पी ले, क्योंकि पानी में इंसान थक जाता है। तो नाराज होंगे, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ बात करने के लिए। उपासने और बल्याली साहब की आप दलीलें सुन रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हमारी रहेंगे, मुश्किल है उनकी कुर्सी जाएगी, क्योंकि जिस तरह की दलीलें बीजेपी नेता दे रहे हैं। नमस्कार।